हेलो एवरीवन, IITians द्वारा चलाए जाने वाले इस एजुकेशनल फोरम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडिया की फेमस एंड नंबर वन GFTI यानी कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जानने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ के कोर्सेज के साथ साथ ईच एंड एवरी ब्रांच के काफी डिटेल में आपको प्लेसमेंट्स बताएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। साथ ही में हर ब्रांच का आपको हाइएस्ट एंड एवरेज सैलरी पैकेज भी बताने वाले है। इसके साथ ही गाइज, हम यहाँ की फैसिलिटीज, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, कोर्सेज कट ऑफ आदि के बारे में भी जानने वाले है। तो एंड तक जरूर बने रहे आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। व्यूअर्स यू वॉचिंग फ्रेशर्स गेट, ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज, इंडिया की ग्रीनेस्ट एंड ऑर्गेनाइज सिटी यानी कि चंडीगढ़ सिटी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का ये 149 एकड़ का काफी बड़ा और इंटीग्रेटेड कैंपस आपको मिल जाता है, जहां आपको ईच एंड एवरी टाइप की डाइवर्स एंड इम्पोर्टेंट एजुकेशनल एमिनिटीज मिल जाती है। चाहे यहां के हॉस्टल्स हो, जिम्नेशियम्स हो, थिएटर्स, लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, बैंकिंग और कई सारी अदर फैसिलिटी के साथ साथ यहां आपको 9 टाइप्स की डाइवर्स एंड हाईली डिमांडिंग इंजीनियरिंग की ब्रांचेस भी मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम इन 9 इंजीनियरिंग ब्रांचेस की सीट मैट्रिक्स एंड कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम प्लेसमेंट और फीस स्ट्रक्चर भी जानेंगे। तो फर्स्ट ब्रांच है गाइस, यहां पे हमारे पास कल्पना चावला मैम का फेवरेट, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जी हां गाइस, कल्पना चावला जी ने यहीं से अपना एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया था, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है, इवन इंडिया के लिए भी काफी बड़ी बात है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई IIT या फिर NIDs में एरोस्पेस इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं मिल पाता है, तो यहां भी आपके पास एक गोल्डन चांस है एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसी हाईली डिमांडिंग एंड यूनिक ब्रांच में एडमिशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कट ऑफ्स दिए हैं होम स्टेट कैंडिडेट्स के कितने कट ऑफ रहेंगे, अगर आप पंजाब से हो तो आपके कितने कट ऑफ रैंक होनी चाहिए आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, वो हमने दिया है। इवन अदर स्टेट वालों के लिए भी हमने यहाँ पे कट ऑफ रैंक्स दिए है JEE मेंस के। फॉर एग्जाम्पल EWS इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जाहिर सी बात है आपका 24,800 के अंडर का अगर रैंक आता है तभी आपको ये ब्रांच मिलने की पूरी संभावना रहेगी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में गाइज OBC कैटेगरी वालों के लिए किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं रहता है, इसी कारण आप यहां पे देख रहे हैं कैटेगरीज में OBC, NCL या फिर OBC कैटेगरी का हमने कहीं भी कट ऑफ नहीं दिया हुआ है। तो यहां पे बस आपको वीडियो को अच्छे से पॉज करना है और अपनी चाहती ब्रांच के कट ऑफ देखने हैं। नंबर ऑफ सीट्स भी हमने दिए हैं, होम स्टेट वालों के लिए 16 है, अदर स्टेट वालों के लिए 17 सीट्स रहेगी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, तो यहां पे आप देख सकते हैं होम स्टेट वालों के लिए 57 सीट्स है एंड अदर्स के लिए 60 सीट्स है। इनके भी प्लेसमेंट काफी जबरदस्त होते हैं, प्लेसमेंट के वक्त मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कितने एक्सपेक्टेड रैंक चाहिए तब आपको ये ब्रांच मिल सकती है, तो ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप होम स्टेट के ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 90,000 के अंडर का अगर रैंक आता है तो आपको ये ब्रांच जरूर मिलेगी। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी काफी फेमस है। इनफैक्ट हमने एक स्पेशल वीडियो भी इसके ऊपर बनाया है कि जोसा काउंसिलिंग के वक्त कौन से कॉलेज कौन से नंबर पे आपको रखना चाहिए, तो वो वीडियो आप जरूर चेक करें, तो उसमें आपको पता चल जाएगा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज आपको कौन से नंबर पे रखना चाहिए अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांच लेनी है। तो यहाँ पे आप कट ऑफ को अच्छे से देखिए, जहां पे हमने NA किया है उसका मतलब है कि वहां पे किसी भी टाइप का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है फिर गाइज हमारे पास कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ही डेटा साइंस से ब्रांच, तो इसके भी आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। इसमें आपको 26 सीट्स मिलेगी होम स्टेट वालों के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए 27 सीट्स मिलने वाली है। इसके बाद है गाइस एवरग्रीन ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप के कट ऑफ रहेंगे। नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा आपको मिल जाती है यहाँ पे, 57 सीट्स रहेगी होम स्टेट के लिए, 61 सीट्स रहेगी अदर स्टेट्स के लिए। फिर है हमेशा ही सबसे जबरदस्त ब्रांच रहने वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा मिलती है होम स्टेट के लिए 54 एंड अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 57 सीट्स यहाँ पे मिलने वाली है। इसके बाद है गाइज हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, होम स्टेट में 53 सीट्स, अदर स्टेट वालों के लिए 57 सीट्स। क्या आपके कट ऑफ रहेंगे कैटेगरी वाइज वो हमने यहाँ पे दिए है। PWD वालों के लिए यहाँ पे किसी भी टाइप का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसी कारण हमने कैटेगरी में PWD को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। इवन जो ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे होम स्टेट में, उनके लिए भी यहाँ पे किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अदर स्टेट के अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे चांसेस रहेंगे अगर आपकी रैंक 4,200 के अंडर आती है तो।
नेक्स्ट है गाइज, हमारे पास यहाँ पे मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, ये भी ब्रांच काफी बढ़िया है यहाँ का। प्लेसमेंट के वक्त हम आपको जरूर बताएंगे। होम स्टेट में 31 सीट्स, अदर स्टेट के लिए 32 सीट्स। फिर बाद में है गाइज हमारे पास यहाँ का लास्ट ब्रांच जो है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस ब्रांच में भी आप देख सकते हैं किस टाइप के कैटेगरी वाइज आपके एक्सपेक्टेड जेईई मेंस के रैंक होने चाहिए, वो हमने यहाँ पे दिए है। तो इस प्रकार हमने यहाँ की टोटल 9 ब्रांचेस और उनके सीट मैट्रिक्स के साथ साथ आपको जेईई मेंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक्स भी बता दिए। तो बस आपको वीडियो के पर्टिकुलर सेक्शन को पॉज करना है और आगे बढ़ना है। अब हम बात करते हैं गाइस फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर के लिए हमेशा की तरह हमने आप लोगों के लिए एक इंटीग्रेटेड चार्ट बनाया है ताकि आप फीस को अच्छे से और डिटेल में समझ पाए। तो यहाँ पे हमने दिया है फीस टाइप में पूरा फी जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो सेमेस्टर फी रहेगा आपका। जहाँ पे वन टाइम फी लिखा है वो आपको सिर्फ एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करना है, नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको इसमें फी नहीं देना पड़ेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे क्वेश्चन मनी रिफंडेबल लिखा है वो भी आपको वन टाइम ही देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और फिर जो आपके एकेडमिक एक्सपेंसेस है वो आपको हर सेमेस्टर रहेंगे। अगर आप हॉस्टल एंड मेस लेते हो तो हॉस्टल एंड मेस फी भी आपको पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। साथ ही में जो हॉस्टल एंड मेस फी का जो वन टाइम डिपॉजिट रहता है वो भी आपको सिर्फ वन टाइम ही देना है, बाकी सेमेस्टर में आपको ये फी नहीं लगेगा। तो फीस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी सेक्शन से बिलोंग करते हो और आपके पेरेंटल इनकम 5 लाख के अंडर है ईयरली, तो आपको यहाँ पे 0 ट्यूशन फी लगेगा। वहीं अगर आपके पेरेंटल इनकम 10 लाख के अंडर है यानी कि 5 to 10 लाख है, तब आपको यहाँ पे हाफ फी देना पड़ेगा यानी कि 44,000 का फी आपको लगेगा। वहीं अगर आप SC/ST स्टूडेंट हो तो आपको 44,000 पर सेमेस्टर फी देना पड़ेगा, और जो जनरल EWS स्टूडेंट रहेंगे उनको फुल फी लगेगा यानी कि 88,000 का फी लगेगा। अब यहाँ पे आप टोटल फी में देख सकते हैं आपका पर सेमेस्टर कितना फी लगेगा। अब टोटल फी में आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर ही इतना फी लगेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको इसमें से वन टाइम फी जो रहेगा वो माइनस करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन मनी रिफंडेबल हमने बताया है वो नेक्स्ट सेमेस्टर से माइनस हो जाएगा, और जो हॉस्टल एंड मेस फी का डिपॉजिट रहेगा वन टाइम वो भी नेक्स्ट सेमेस्टर से माइनस हो जाएगा। साथ ही में जो BPL कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको किसी भी तरह का यहाँ पे फी पे नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो सेमेस्टर फी हो, हॉस्टल फी हो या फिर मेस फी हो। साथ ही में गाइज अगर आपको लगता है कि किसी भी टाइप का आपको यहाँ पे फी रियायत नहीं मिल रहा है, जैसे जनरल EWS कैंडिडेट हो आप और आपको लगता है कि सर फी ज़्यादा है लेकिन कॉलेज तो अच्छा है, तो यहाँ पे कई सारे आपको एजुकेशन लोन की फैसिलिटीज भी मिल जाती है, इवन आप नेशनल बैंकिंग थ्रू भी इजीली लोन पा सकते हो। तो चलिए गाइज अब हम बात करते हैं मोस्ट अवेटेड सेक्शन की यानी कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की। तो यहाँ पे इस बार कई सारी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज ने स्टूडेंट्स को हायर किया है। हाईएस्ट सैलरी पैकेज 64.50 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज पैकेज सभी ब्रांचेस को मिला के 13.50 लाख पर एनम का रहा है। मीडियन पैकेज भी अगर हम बात करें तो 10 लाख पर एनम का मीडियन पैकेज भी हमें देखने को मिला है। वहीं अगर गाइज हम ब्रांच वाइज देखें कौन से ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास कल्पना चावला जी का एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो 32 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट्स को अभी तक ऑफर मिल चुके हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 141 में से 124 स्टूडेंट्स को ऑफर मिल चुके हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 97 में से 60 स्टूडेंट्स को ऑफर मिले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 123 स्टूडेंट में से 117 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 117 में से 116 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 105 में से 78 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। मेटलर्जी में 46 में से 38 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। एंड प्रोडक्शन में 36 में से 33 स्टूडेंट्स प्लेस हुए। तो ऐसे गाइज अगर हम टोटल देखें तो 670 में से 608 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, यानी प्लेसमेंट रेशियो हमें काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर हम प्री प्लेसमेंट ऑफर्स की भी बात करें तो 133 स्टूडेंट्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिले हैं, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को लेके लेटेस्ट प्लेसमेंट्स भी इस साल आने वाले हैं जो नियर अबाउट दिसंबर मंथ में आ जाते हैं, तो उस रिगार्डिंग भी हम आपको जरूर अपडेट देने वाले हैं। तो इसके लिए प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।